अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू ओवर। ये मैं जावा सीरीज़ भी बना रहा हूँ और अमेजिंग टिप्स सीरीज़ भी बना रहा हूँ। यार आज की वीडियो में हम देखेंगे कि VS कोड को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। VS कोड अभी मैं तुम लोगों को दिखा दूँ, मेरा तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर कोई मतलब जो है ना वो आइकन वगैरह या कुछ भी नहीं डले हुए हैं, कोई थीम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी थीम है। इसको हम कस्टमाइज़ कैसे करेंगे मैं तुम्हें A to Z बताऊंगा। और मज़ीद यार देखो, तुम लोगों को सब बताएंगे कि यार मटेरियल और शैनिक थीम डाउनलोड कर लो, ये वाली थीम डाउनलोड कर लो, ये वाली थीम बेस्ट है। लेकिन तुम लोगों को कोई ये नहीं बताएगा कि उन लोगों ने कहाँ से देखी है ये थीम, उन लोगों को कहाँ से पता चला है कि यार कौन सी थीम अच्छी है, कौन सी थीम बतानी चाहिए। तो यार मैं आपको वही बताऊँगा। तो आप ये कह सकते हो कि काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो है, बल्कि इनफैक्ट। तो इस तरह से तुम अच्छे तरह से कस्टमाइज़ करके ना अपने फ्रेंड्स और स्पेशली अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस जो है वो कर सकते हो। इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और यार मज़ीद मैं यहाँ पर जावा के ट्यूटोरियल बना रहा हूँ विद हैंड रिटन नोट्स, जावा फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो यार इस प्ले लिस्ट को यहाँ से आप लोग एक्सेस कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना। इससे ये है कि मोटिवेशन मिलती है। देखो मैंने अभी मज़ीद वीडियो बनाई है, नेक्स्ट हमने जावा जो है ना वो बेसिक कंप्लीट कर लिया है, अब हम एडवांस जावा की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं। तो यार ये तो हो गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम जो है ना, अच्छा यार तो मैं ब्रेव ब्राउज़र पर आ गया हूँ और वेबसाइट का नाम है VScodeThemes.com। ये वाली वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोगों ने जाना है। और इस वेबसाइट को यहाँ से ना बुक मार्क भी कर लो, ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब इसके अंदर मैं तुम लोगों को ना एक ज़बरदस्त सी चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मैं जावा पे कोड करता हूँ तो यहाँ पर से मैं ये लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगा जावा, और ये मुझे बता देगा कि यार जावा के लिहाज से कौन सी थीम जो है वो बेस्ट है। देखो वन डॉक प्रो अच्छी है, C++, ये वाली थीम भी अच्छी लगेगी जावा कोड के लिए, ठीक है। मुख्तलिफ यहाँ पर तुम लोगों को काफ़ी सारी थीम्स मिल जाएंगी, तुम उसके हिसाब से ना अपने जो है वो थीम सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देख लो कोई भी, मैं तुम लोगों को यहाँ पर ना थीम जो है ना वो इंस्टॉल करके बता देता हूँ। ये वाली थीम बहुत अच्छी है, कोबाल्ट में यूज़ करता रहा हूँ। खैर मैं तुम लोगों को कोई भी अच्छी सी थीम जो है ना, ये वाली थीम, अच्छा ये वाली थीम जो है ना वो मैं तुम लोगों को इंस्टॉल करके बताता हूँ। सिंपली तुम लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर यहाँ पर अब इसके 4 वेरियंट तुम लोगों को दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। VS कोड के ऊपर क्लिक कर देना, अगर तुम लोगों के पास ऑलरेडी इंस्टॉल है ना तो ये डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर ऑन कर देगा, जस्ट लाइक दिस। ये देखो यहाँ पर ना इसने ऑन कर दिए, अभी एक्सटेंशन स्टोर में जाएगा और यहाँ पर ये कह रहा है कि यार आप इसको इंस्टॉल कर लो। तो मैं सिंपली इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है यहाँ पर देखो कुछ खाली खाली सा लग रहा है, मतलब आइकन्स नहीं है। तो यहाँ पर एक आइकन के लिए बहुत ही अच्छी थीम बताता हूँ, मज़ेदार सी मटेरियल यहाँ पर नहीं लिखना था। अच्छा ये इंस्टॉल हो गई है, तेरी क्या लिखा हुआ। अच्छा अब मैं इसको देखता हूँ पहले ना जाके सिंपल कैलकुलेटर ये वाली, या मैं कुछ भी देख लेता हूँ ATM मशीन के ऊपर, मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ। तो ये देखो ये थीम जो है ना वो कुछ इस तरह की लगेगी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, और यहाँ पर मैं कलर थीम के ऊपर क्लिक करूँ और अपने यहाँ से जो है ना वो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मतलब कैसी लगेगी मुख्तलिफ। मैं अपने माउस के जो नीचे वाला है वो है, स्क्रॉल व्हील कह सकते हैं उससे जो है ना, माउस का नहीं वैसे माउस का भी है। ये देखो यहाँ पर अगर मैं ले जाऊँ उसको तो कीबोर्ड का जो है वो बटन जो है उसके थ्रू मैं इसको कर सकता हूँ। ये वाली अच्छी लग रही है, ये वाली काफ़ी अच्छी लग रही है। अच्छा ये करने के बाद अब मैं दोबारा एक्सटेंशन में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मटेरियल आइकन लिखता हूँ। तो यहाँ पर ये वाली जो है ना, ये वाली स्टार वाली, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा यार मेरे पास ना वो थीम इंस्टॉल हो गई है, तो मैं अब क्या करता हूँ कि मैं सेटिंग में आया हूँ। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर सर्च करोगे थीम, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वर्क बेंच आइकन थीम, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपने जो थीम इंस्टॉल की होगी ना वो यहाँ पर आपके पास डेमोस्ट्रेट होगी। जैसे मैं मटेरियल थीम आइकन डार्क करता हूँ, डार्कर करता हूँ, तो इसके ऊपर मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये देखो जावा का अरे बना हुआ आ गया और यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे आइकन जो हैं वो शो हो गए हैं, ठीक है। और मज़ीद आप इसको देख सकते हो, ठीक है, मज़ीद आप जो है ना वो अपनी थीम अपने हिसाब से जोन से भी आप लोग लैंग्वेज में जो है ना वो कोड करते हो तो यहाँ पर आके आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, जैसे कि पाइथन सेलेक्ट कर लेते हैं। और वो जो थीम, एक और मैं थीम तुम लोगों को बताता हूँ, बड़ी अच्छी है थीम, डॉपरी नेक्स्ट आई थिंक यही नाम है इस थीम का,
मैंने हिस्ट्री में जाके चेक किया यार, मुझे मिली नहीं थी। हाँ ये वाली थीम, ये मुझे थीम बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको 23 जो है ना वो थीम्स मिल जाती हैं। 23 मतलब कि आप थीम्स अवेल कर सकते हो इसके अंदर, जस्ट लाइक दिस। ये देखो ये अच्छी थीम है, और यहाँ पर ये तुम लोगों को बता देगा कि यार आपकी जो है ना वो कैसा लगेगा बैकग्राउंड वगैरह। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। उस वीडियो को बनाने में मैं यार 3 दफ़ा ये वीडियो बन चुकी है, लेकिन कुछ ना कुछ इशू हो जाता था। कभी वॉइस नहीं आती थी, कभी मेरा लैपटॉप जो है वो बंद हो जाता था, कभी लाइट चली जाती थी, वाईफाई नहीं चलता था। तो यार बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है। तुम काइंडली वीडियो को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और यहाँ पर देखो मैं मुख्तलिफ जो है ना वो इसके वेरियंट जो है ना वो रख सकता हूँ कलर थीम के अंदर आके। यहाँ पर माउस से मैं देख सकता हूँ, ठीक है, ये बंकर वाली अच्छी है, वैसे डार्क वाली भी अच्छी है, लेकिन ये काफ़ी डार्क हो जाएगा, तो बंकर वाली मैं जो है ना वो फाइनलाइज करता हूँ। फील आइकन थीम ये अभी जो मैंने तुम लोगों को करवाया, यहाँ से तुम उसके शॉर्टकट की देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्रामर जर्नी, इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन।